बॉलीवुड फिल्मों में जब तक हीरो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कूद फांद कर या फिर विलन से ढिशुम ढाई कर या फिर छलांग मार कर हीरोइन को गुंडों से नहीं बचा लेता, तब तक हमें मूवी का आनंद कहाँ मिलता है, क्यों? और वैसे भी बॉलीवुड में हीरोइंस का स्टंट भी लोग खूब पसंद करते हैं। हमें ये लगता है कि वो जोखिम भरे स्टंट्स हीरोइंस खुद करती हैं, पर आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ। दरअसल ये स्टंट्स बॉडी डबल फिल्माते हैं और बॉडी डबल्स भी सिर्फ मर्द हुआ करते हैं। लेकिन इसी बीच एक महिला आई जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टंट्स कर अपना एक नया मकाम बनाया। नाम है रेशमा पठान, इंडिया की पहली स्टंट वुमेन, जिन्होंने वैसे तो इस लाइन को मजबूरी में चुना, लेकिन धीरे धीरे इसी फील्ड में उन्होंने अपना काफी ऊंचा मकाम बना लिया। वैसे तो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल काम है, और वो भी जब मुकाबला केवल एक दो से नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री से हो, इस मानसिकता से हो कि स्टंट करने का काम केवल मर्द ही कर सकते हैं। कई बार ऐसे मरहले आए जब रेशमा ने इस जंग से हथियार डालना चाहा, पर अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों के खातिर वे लगातार डटी रहीं। कई बार शूट के दौरान उन्हें गंभीर चोटें लग जाया करती थीं, कई बार लोग उन पर फप्तियां कसते थे, कभी कभी तो फिल्म के हीरो ही उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें कर बैठते थे, जिन पर वे बड़ी खुददारी से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया करती थीं। और इस सब के बावजूद जब उन्हें एक जूनियर आर्टिस्ट के बराबर तनख्वाह मिलती थी तो उनका मनोबल गिर जाया करता था, मगर तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ती गई और आज उन अन्य स्टंट्स वुमेन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और खुद उनके लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। स्टंट सीन जो कि बॉलीवुड में आमतौर पर केवल मर्द ही किया करते थे, या यूं कह लें कि उसे मर्दों का ही काम माना जाता था, उस पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में रेशमा ने खुद को साबित कर दिखला दिया। ये दिखला दिया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप इंडियनिस, भारतीयता या फिर हिंदुस्तानियत के बारे में क्या सोचते हैं। देखते रहिए दी इंडियनिस। नमस्कार।